गर्मी में यहाँ भाई को आशीर्वाद देने आई है। ये चुनाव आज तुम्हारी भाभी भी आई है और कई दिन 31 साल पहले हमारी शादी भी हुई थी। मेरी बहनों, बहन तो बधाई देगी, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये चुनाव अद्भुत हो गया। इतनी गर्मी में कोई नेता को सुनने आता है क्या? बताओ, आता है क्या? लेकिन ये आपका प्रेम है जो आपको भाई के पास खींच लाया, बहनों भाई के पास खींच लाया। इस चुनाव में मैं जहां जाता हूं, बहने टीका लगाती है, आरती उतारती है और 10-10, 20-20 रुपया मेरे हाथ में पकड़ाती है और कहती, भैया ये पैसा तुम्हारे चुनाव के लिए। आज भी मेरी बेटी आई है, दिव्यांग बेटी, साइकिल पे बैठ के। इस बेटी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैंने बहुत कहा, बेटी रहने दो, तुम केवल आशीर्वाद दे दो। नाम क्या बेटी? कविता, सविता। ये सविता बेटी देखो, मेरी दिव्यांग बेटी, साइकिल पे बैठ गई मामा। और मैंने कहा, पैसा मत दो, तो जिंदगी के पैसा तो लेके आई हूं तुम्हारे चुनाव के लिए, मैं दूंगी चाहे कुछ हो जाए। ये अद्भुत है मेरी बेटी, ऐसी मेरी बेटियां। मेरी मैं आया तो बहन पंखा जाने लगी, भैया गर्मी लग रही होगी। मैं जहां जाता हूं, मेरी बहन पैसे निकाल निकाल के देती है। कई जगह तो गेहूं की बोरी थी, भैया गेहूं है जो ले जा चुनाव। तो मैंने कहा, ये गेहूं यही भेंट कर रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद कन्या भोज इसमें और पैसे मिला के करेंगे। ये चुनाव नहीं, ये तो प्यार का सागर हो गया। भांजे भांजी, मामा मामा कहकर दौड़ते हैं और मामा को गुल्लक भेंट करते हैं। मामा ये गुल्लक के पैसे ले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं धन्य हो गया मेरे बहनों और भाइयों, मैं धन्य हो गया जिसकी ऐसी बहनें, ऐसे भाई और ऐसे भांजे भांजी है। मैं बारंबार तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बारंबार तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं नेता भी, मैं तो आपका परिवार, आप और शिवराज एक है, दो है ही नहीं, पर आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य। और इससे मेरी बहनों, आज भी मन में यही भाव है कि बेटी और बहनों की जिंदगी को और कैसे बेहतर बनाया जाए। मेरी बहनों, बचपन में मैंने जो अन्याय देखा था बेटियों के साथ, मैं मानता था कि बेटा और बेटी को बराबर नहीं मानते लोग, बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, बिटिया को कम लाड़ मिलता है, बेटी कई बार बोझ समझी जाती है। तब मेरे सीने में दर्द होता था कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं। बेटी भी तो भगवान ने भेजी है, बेटी भी तो माँ की कोख से जन्मी है। और तब मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बनते ही कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। दुनिया वालों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं कह सकती। इतने बेटी को बनाया लाडली लक्ष्मी, 50 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी बिटिया हैं, जिनको पढ़ाई के लिए पैसा आते हैं 6वीं में, 8वीं में, 11वीं में, 12वीं में, और कॉलेज में भी 12.5 हजार, और कॉलेज पास की तो भी 12.5 हजार। उन बेटियों की जिंदगी बनाने की, बेटी की शादी को ही मानी जाती थी। तो भैया तुम्हारा मुख्यमंत्री बना तो तय कर दिया, यार की चिंता करते हो, मामू तो मुख्यमंत्री है, अब शादी हम करेंगे, सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बना के दे दी कि बेटी की शादी बोझ नहीं रहेगी किसी की। ऐसी कितनी योजना है, मेरी बहने चुनाव लड़े, इसलिए आधी सीटें रिजर्व कर दी तुम्हें। ये तो भैया लोग लड़ने नहीं देते थे, खुद ही लड़ते थे। मैंने आधी तो भैया खड़े नहीं हो सकते बहने। और बाद में बनाई लाडली बहना योजना, कल खाते में पैसा आ गए। अरे जोर से बोलो ना, पहले कभी सोचा था कि कोई भैया ऐसा आएगा जो हर महीने खाते में पैसे डलवाए था? क्या सोचा था कभी किसी ने? जो कोई ने नहीं सोचा वो तुम्हारे भाई ने कर दिया। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने कर दिया।
और अब यहीं तक नहीं रुके, आगे हमारा लक्ष्य है, आगे हमारा लक्ष्य है बहनों को लखपति बहना बनाना, लाडली बहना से लखपति बहना। भाइयों ये मजाक नहीं करता, लखपति बहना का मतलब है साल में 1,00,000 रुपया आमदनी बहन की भी होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों बताओ, कोई गरीब रहना चाहता है क्या? बोलो ना जोर से, गरीब रहना चाहता है क्या? हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों रोए, हम क्यों आंसू बहाए? बहने जब सासुर जाती थी तो माँ की और भाभी के सीने से लिपट लिपट कर रोती थी कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन अब तुम्हें लखपति बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आमदनी इतनी बढ़ाएंगे, 1,00,000 रुपया हर साल तुम्हारी आमदनी है। बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे मैं खाली खाली वोट के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ मेरी बहना, और तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ। वोट तो माध्यम है, लेकिन बहनों की जिंदगी बदलना, भाइयों की जिंदगी बदलना, भांजे भांजियों की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन और लक्ष्य है। मेरे किसान भाइयों याद कर लो, जब कांग्रेस का राज 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, करण सीटियां खड़े हुए याद है कि भूल गया, और कई लोगों के मोटर ट्रैक्टर खींच ले जाते थे बैंक बाजी के पैसा नहीं भर रहे, और तब मैं मन में से बड़ा दुखी होता था। सरकार में आपने आशीर्वाद लेके लाए, मुख्यमंत्री बना तो तय कर दिया 18% ब्याज नहीं 0% ब्याज पे कर्जा देंगे, 0%, जितना लिया उतनी वापस दे। किसान भाइयों आई लव यू टू। भाईया मैं सबसे प्यार करता हूँ, हमें राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होते। मैं प्यार की गंगा बहाने आया और सारे भेदभाव खत्म करने आया हूँ, मिलके चले सबका भला। कौन सी योजना है जो मैंने किसी को छोड़ा हो? लाडली बहना बनाई तो सबको बनाई, कन्यादान बनाई तो निकाह भी बनाई, जितनी योजना बनी सब में गरीब आदमी किसान सबके सब शामिल है, किसी को नहीं। और अब किसान भाई करण सिंह जी का संकल्प है, करण सिंह जी ने मुझे कहा कि नर्मदा का पानी चाहिए, कई गांव में पाइप लाइन बिछा के नर्मदा का पानी आ रहा है, और इधर कहां रह गया है अभी? अब 122 गांव में भी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, और भगवान कोई रास्ता निकालेगा, उसने चाहा तो यहां भी पानी आएगा, बड़े बांध ना बने छोटे छोटे बना देंगे। काय के लिए सरकार ने, काय के लिए सरकार ने, तो रोटी थोड़ी बनवाता है सरकार, ये काम तो करवा आपने, कई गांव में करवा दिए, कई गांव में और हम छोटे छोटे बना के करने का प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी, तो मेरे दिल ने भी कहा मुख्यमंत्री बनते मत चूके चौहान, तू भी 6,000 दे, 12,000 रुपया तो कम से कम मिल जाए। मेरे बेटा बेटी जो मामा मामा कह के दौड़ते देखो फोटो खींच रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी भांजी बैठी है, मेरे भांजे सुन रहे हैं, मेरे बच्चों तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद ना हो, तुम्हारे लिए कामा काम करें, इसलिए स्कूल में किताबें फ्री में, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, अच्छे नंबर बाद भी मिलाए तो मामा लैपटॉप दिलवाने का काम शुरू करता था, और फिर स्कूटी भी, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस की व्यवस्था भी मामा करके गया है मुख्यमंत्री रहते हुए। मेरे बच्चों परेशान मत होना, आज भी तुम्हारे लिए काम करें, मैं केवल वोटों के लिए नहीं आया, मुझे पत्रकार कहते मेहनत कार को कर रहे हो, तुमको जीत जाओगे, अरे मैं कभी कभी चुनाव जीतने के लिए हूँ, नहीं मेरे बहन और भाइयों मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हूँ, और तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैं रोज दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करता हूँ, और अपने में भी आता हूँ, मुझे इतना क्यों जाऊंगा,
क्योंकि वही तो मेरे भगवान है, उनको गले से लगाता हूँ आता हूँ, वो मेरे सिर पे हाथ रखते, मैंने मेरे सिर पे हाथ रख देती है तो भैया धन्य हो जाता है। ये भाई और बहन का रिश्ता, ये भाइयों का मामा भांजे भाइयों का रिश्ता है, ये पूरा परिवार है मेरा। मैं जीऊंगा तो इस परिवार के लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी इस परिवार के लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मरने के बाद मुझे स्वर्ग में मत भेजना भगवान, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूंगा, दुनिया दुखी बैठे रहो स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ मरने के बाद फिर इन्हीं बहनों के बीच जन्म जाना भाइयों के, ताकि मैं इनकी बारम्बार सेवा करता रहूं और इनके दुख दूर करता रहूं, इनकी इनकी तकलीफें दूर करता रहूं, बस यही मेरे मन में है। और भाइयों, पार्टी ने मुझे सांसद विधायक बनाया तो उसका अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री बनाया तो मुख्यमंत्री रह के भी मैंने बताओ अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, जोर से बोलो अच्छा किया कि नहीं। और अब कहा कि दिल्ली जाओ तो मामा दिल्ली चल गए, दिल्ली में भी खाली पीली थोड़ी बैठी, करण सिंह जी यहां सरकार से पैसा लेके आएंगे और मामा दिल्ली में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको सौगातें ला कर देंगे। इसलिए जा रहा हूं, कुछ बनने नहीं जा रहा हूं, वहां से बैठ के तुम्हारी यहां सेवा करूंगा। झागरिया वालों चिंता मत करना, आसपास के बहन और भाई, लेकिन एक बात आज दिल से कहने आए, ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं, आप बताओ कोई अच्छा काम करे तो जनता को अच्छे से जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए, सब बताओ जिताना चाहिए कि नहीं। देखो एक संदेश देना चाहिए, आपसे भी करो एक संदेश, हमारे लिए भी अच्छा करता है हम उसके साथ खड़े हैं, ये मैसेज जाना चाहिए इस चुनाव से, जाना चाहिए कि नहीं, ये मैसेज जाना चाहिए। और जनता ये बता दे कि कोई हमारी सेवा करता है तो जनता ऐसे आशीर्वाद देती है कि जमाना देखता जाए, ऐसा आशीर्वाद देती है। ये देश को बताने का चुनाव है कि तुम अपने भाई को कितना प्यार करते हो, तुम अपने मामा को कैसे कितना प्यार करते हो, और इसी से संदेह जाएगा कि मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम। अब बताओ चुनाव हो और वोटे नहीं डाले आधे लोग तो क्या मैसेज कर, जनता थोड़ी ही चाहती है, सही बात है कि नहीं बता, अरे सही है कि नहीं, इतनी गर्मी है बताओ, परसों भी पड़ेगी तो गर्मी से घबरा तो नहीं जाओगे, मामा पे वोट नहीं बरसाना, मामा में तो प्यार और आशीर्वाद भाई पे बरसाना है, प्यार देना है वोट डाल के, अमल के फूल की बटन दबा के दुनिया को ये बताना है कि हम अपने भाई और भैया को कितना प्यार करते हैं, हम अपने मामा को कितना प्यार करते हैं, इससे दूसरे भी ये सोचेंगे कि अच्छा काम करो रे तो जनता प्यार और आशीर्वाद की वर्षा करती है, ये मैसेज देने का चुनाव। और ये बताओ मेरे बहनों और भाइयों, गर्मी में वोट डालने निकलोगे, सब नहीं बोल रहे हैं, सब वोट डालोगे, अच्छे से जिताओगे, गर्मी से घबराओगे तो नहीं, घर में तो नहीं बैठोगे, बहनों सब निकलोगी, कितने परसेंट वोट डालोगे, कितने परसेंट, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दो और बता दो कि हम अपने भैया और मामा को प्यार करते हैं, 100% वोट डालो, जितने सब डालो, जितने सब वोट डालो, एक मत छोड़ना, मैंने बीन बीन के लिया ना। और अब केवल आज तारीख होगी 5, कल 6 और परसों चुनाव 7, मेरी बहनों सब बहनों से कह रहा हूं, सब बहनों से घर कह देना कि हमारा भैया चुनाव लड़ रहा, रोटी पानी का इंतजाम कर लो, 3 दिन हम चुनाव में प्रचार करेंगे। बोलो मंजूर है बहनों, वो हाथ उठाओ सब बहनों, सवेरे सबसे पहले लाइन लगाना, उठते ही बहने ही बहने देखे, दुनिया देख ले कि बहने भैया को कितना प्यार करती है, सवेरे से लाइन लगा के वोट दे रही है, गाती हुई गीत गाती हुई आओ, हम अपने भैया को वोट दे, बोलो आओगी सब। अब बहने तो आएगी, भाइयों तुम आओगे कि नहीं, पीछे तक बताओ आएंगे, और भांजे भांजे भी आएंगे, तो वोटिंग का रिकॉर्ड बनना चाहिए,
क्योंकि ये वोट का रिकॉर्ड नहीं, ये प्यार का रिकॉर्ड है, प्रेम का रिकॉर्ड है मेरे बहनों और भाइयों, प्रेम का रिकॉर्ड आप बनाओ, प्रेम और आशीर्वाद का रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा, सेवा का रिकॉर्ड तुम्हारी सेवा का रिकॉर्ड और विकास का रिकॉर्ड करण सिंह वर्मा के सामने मिलके। बोलिए सब तैयार है क्या? कितनी भी गर्मी हो वोट डालने निकलेंगे, 100% वोट डालेंगे। कौन सी बटन पे, कौन से बटन पे, कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3रे नंबर पे। भाइयों मेरे बहनों और भाइयों, आज जाकर या बिल्किसगंज में संकल्प लीजिए और मीडिया के सामने भी पूरी दुनिया को बता दीजिए कि मामा भैया के साथ है, बीजेपी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोलकर संकल्प लीजिए कि अपने भैया शिवराज को, मामा को, भाई को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। देवी लोक की मैंने उस समय घोषणा की थी, देवी लोक बनेगा,